कांग्रेस पार्टी के लिए इन दिनों कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। पार्टी के बड़े नेता इस्तीफा देकर दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही नेताओं का इस्तीफा देने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अब भी जारी है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि पार्टी हर राज्य में सत्ता गंवाती जा रही है। पंजाब में सत्ता गंवाने वाली कांग्रेस पार्टी को अभी और बड़ा झटका लग सकता है। दिग्गज कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और अब जाखड़ कांग्रेस से बदला लेने के लिए पंजाब में बड़ा खेल कर सकते हैं। खबरों की माने तो सुनील जाखड़ कांग्रेस के कई नेताओं को बीजेपी में शामिल करा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के दो सीनियर नेताओं की बीजेपी नेतृत्व से बातचीत चल रही है और जल्द ही वो भगवा दल का हिस्सा हो सकते हैं। संगरूर लोकसभा सीट पर उपचुनाव से पहले कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस सीट से पंजाब के सीएम भगवंत मान सांसद थे और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने यहां से इस्तीफा दे दिया। फिलहाल उपचुनाव की तारीख तय नहीं है, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस को झटका लग सकता है। कांग्रेस के एक सीनियर की माने तो पंजाब कांग्रेस की ओर से खुद को मजबूत करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद भी कुछ नेता हैं जो अब अपना राजनीतिक भविष्य कांग्रेस में नहीं देखते हैं और वो विकल्पों की तलाश में जुटे हैं। इसमें कुछ पूर्व मंत्री भी शामिल हैं जो पिछली कांग्रेस सरकार का हिस्सा थे, लेकिन अब वो पार्टी के बाहर विकल्पों की तलाश में जुटे हैं। वहीं बीजेपी के एक नेता ने कहा कि आने वाले कुछ सप्ताह पंजाब में बीजेपी के लिए अहम होंगे। पार्टी सूत्रों का कहना कि बीजेपी सुनील जाखड़ का इस्तेमाल कांग्रेस में फूट पैदा करने में कर सकती है। बीते सप्ताह ही सुनील जाखड़ ने कांग्रेस से 5 दशकों का नाता तोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। वो कई महीनों से उपेक्षित चल रहे थे और पार्टी ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए किसी भी पद पर नहीं रहने का आदेश दिया था। इसके बाद जाखड़ कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे। ऐसे में आने वाले दिनों में अगर जाखड़ के अलावा कांग्रेस के दूसरे नेता बीजेपी में शामिल होते हैं तो पंजाब में कांग्रेस पार्टी के लिए ये बड़ा झटका होगा। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।